कुरवाई तहसील कार्यालय पर रोजगार सहायक संगठन की अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 52 दिन से हड़ताल जारी है, जिसमें मीडिया से चर्चा करते हुए रोजगार सहायकों ने बताया कि पूरे प्रदेश में संगठन द्वारा वेतन में वृद्धि, नौकरी में नियमितीकरण एवं अनेकों विषयों पर शासन से मांग की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश भर में रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक शासन द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। मिल रही है आपको प्रतिमा है। अभी हमें 9000 रुपए मात्र कलेक्टर रेट भी नहीं मिल रहा है आपको, नहीं है, और सामान मजदूर से कम मजदूर। किस प्रकार की मांगे आपके संगठन द्वारा? सहायक सचिव के पद पर जिला संपर्क में सम्मिलन कर नियमितकरण की मुख्य मांग है। वेतन बढ़ाने की भी मांग है। वेतन बढ़ाने की मांग है। 90% वेतन मान समक्ष पद को दिया जाना चाहिए। और क्या क्या है? और जैसे दुर्घटना आदि में GRS की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 5 लाख 10 लाख रुपए। कितने दिनों से चल रहा है आपका? 5 दिनों से हड़ताल जारी है। कब तक रहेगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक मांग पूरी है। अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन दे रहे हैं लेकिन मांग पूरी होगी तभी देंगे। 2018 में भी आश्वासन दिया है सरकार ने, कई बार आश्वासन दे चुके हैं लेकिन अब सोचे चुके हैं अत्यधिक अनिश्चितकालीन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।